सदैव ये अनुभव होता, पुरुषार्थ करते फिर संस्कार आता, पुरुषार्थ करते फिर संस्कार आता, ये अनुभव है। लेकिन अभी उसको परिवर्तन करो इस अनुभव से कि संस्कार आता नहीं है, क्योंकि मेरा संस्कार एक बाबा, ये संस्कार है ये भूल जाओ, इसको कहते योग गगन में जला दो। इस संस्कारों को मिटा के बाबा मेरा सब कुछ संस्कार है, प्यार है, जो है वो बाबा को देखो। तो जितना जितना आप बाबा को देखेंगे उतना ही आप सब कुछ भूल जाएं। इसलिए कहा, कोई पूछते हैं दादी तेरा अनुभव क्या है, मैं कहती हूँ अगर कर्मातीत भी बनना है तो आप इसी नशे में रहो, देखो कैसे नहीं कर्मातीत। क्यों? एक बाबा से बड़ा कुछ दुनिया ही नहीं। तब कहा साथी भी है तो सारथी भी है, सर्व प्रकार से जिधर देखती हूँ उधर तू ही तू है। भक्ति में गया, ज्ञान में नहीं गा सकते। जिसका भक्ति में गया, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, गया भक्ति में, भगत गा सकते। और हमें तो ज्ञान है, तो जब हमारा ज्ञान है तो ये सब बाबा के संतान आत्माएं हैं, तो ये सब हम बाबा के हैं, तो जहाँ देखो वहाँ बाबा की संतान आत्मा को देखो, बाबा का बच्चा है, इतना मेरी सारी दुनिया है। तो उसके लिए कितना हम बाबा और बाबा की संतान आत्मा को देखो, दूसरा देखो ही नहीं। फिर आपको किसी का भी ये बुरा है वो बुरी दृष्टि निकल जाएगी, किसकी जो बुराई सामने आती है वो निकल जाएगी। और जब बुराई निकल गई तो आपकी दृष्टि सबके लिए भलाई की होगी, शुभ होगी। चलते हुए मैं देखती हूँ कई बार ट्रक पर लिखा रहता है बुरी दृष्टि का वाले का काला मुंह, कुछ ऐसा शब्द लिखा रहता है, ऐसा नहीं? वो दुनिया वाले लिखते हैं कि बुरी दृष्टि का रखने वाला का काला मुंह, बाबा तो उसे भी करा मुंह कहता है काला। फिर हमारी किसी के अवगुण के लिए बुरी क्यों जाती? कोई दुनिया में अगर देखो रावण बुरा है, जो सभी के बीच में रावण है, बाकी आत्मा तो सबकी प्यारी मीठी है। तो हम आत्मा मीठी प्यार की देखो तो सब हमें प्यारे हैं। और अगर आत्मा को न देखो, बुरी दृष्टि से देखो, तो सब रावण है। तो हमें क्या करना है? प्यारे बाबा के बच्चों को उसी रूहानियत की दृष्टि से देखो, फिर न खुद की बुराई निकलेगी न दूसरी की बुराई का वर्णन करूँ, फिर न मैं बुरी बनू न तू बुरी बनो, दोनों तू भी अच्छा है मैं भी अच्छी हूँ। तो इस आप लोग को मालूम है, जब 2 साल पहले ये ग्लोबल कोऑपरेशन का वर्ष चला तो यही लेसन सभी को था, सबका पॉजिटिव थिंकिंग करो, नेगेटिव नहीं करो, है ये मिला था ना? तो पॉजिटिव माना सब की ऊंचाई का वर्णन करो, नेगेटिव माना नीचाई का वर्णन नहीं। और जब ऐसे बन जाते तो फिर जो भी एक संस्कारों की आदतें है वो मिट जाएंगी। समझो आज मेरी एक आदत है परचिंतन करना, मैं मना करती हूँ नहीं करो फिर भी करते हैं, पर ये आदत क्यों नहीं जाती? क्योंकि ये दिल के अंदर नहीं है कि बाबा ने कहा है तू भाई भाई देखो, बाबा ने कहा है तू सब का गुणग्राही बनो। तो बाबा की जो श्रीमत के महावाक्य है वो कानों में गुंजाओ, तो जो रावण के मत की आवाज है वे बंद हो जाए। तो श्रीमत का आवाज सुनो, भगवानों वाच्य बुद्धि में रखो, पर रावण वाच्य नहीं बुद्धि में, वो है रावण के मत के वाच्य और वो है श्रीमत भगवानों वाच्य। और जब ऐसे हम महावाक्य बुद्धि में रखते तो हम महावाक्य सुनते, महावाक्य सुनाते, महावाक्य माना ही कल्याण के वाक्य। हमें महावाक्य सुनना है, बाबा का महावाक्य सबको सुनाना है, बस ये हमारी जीवन का लक्ष्य। तो जब हम महावाक्य सुनते दिल गदगद होंगी, और महावाक्य बाबा का दूसरे को सुनाओ तो कल्याणकारी बने। तो हमारे जीवन का उद्देश्य है हम विश्व कल्याणकारी,
तो हमें कल्याणकारी बनके कल्याण करना है, खुद का भी सबका भी। तो कल्याणकारी क्या कार्य करेगा? सुंदर कल्याण के बोल बोलेंगे, सुनेंगे भी, बोलेंगे भी, सुनेंगे भी। तो उसके लिए ये देखो, मैं सदैव बाबा के महावाक्यों का चिंतन करता और जिस किसी को सुनाता वो महावाक्य सुनाता या मन के वाच्य सुनाता। मन का वाच्य सोचेंगे, मन का वाच्य सुनाएंगे तो मन मत होंगी। महावाक्य सुनेंगे, महावाक्य सुनाएंगे तो भगवान वाच्य श्रीमत। श्रीमत कल्याणकारी है, मन वाच्य अकल्याणकारी। इसलिए फिर घूम फिर के आती, बाबा ने तपस्या का वरस दिया। सबको तपस्या के लिए डायरेक्शन है कि ऐसा रिकॉर्ड रखो जो आपका रिकॉर्ड को इनाम लियो, याद है? ऐसा चार्ट रखो जो इनाम ले सको। वो इनाम क्या लेना है वो अपने को देखना कि मैं कितने इनाम का पात्र बन रहा हूँ। इसलिए सबको जो बुलाया है, बट्टी में बुलाया है, इतना आप सभी दूर दूर से खर्चा करके, समय निकाल के, दफ्तरों से छुट्टी करके जो आए हैं, वो इसीलिए आए हो कि इस भट्टी से आप सभी इतना अपने में विल पावर भर के जाओ, बस ये अनुभव करके जाओ, मेरा साथी बाबा, मेरा सर्व संबंध बाबा, मेरा सारथी बाबा, बाबा में खो जाओ, खो जाओ, खो जाओ, फिर देखो आपकी क्या स्थिति में। बस ये अनुभव दो दिन, कल भट्टी है, भट्टी में ये अनुभव करो, सचमुच हम बाबा तेरे प्यार में लवली। दुनिया को भुलाने का एकमात्र साधन है बाबा के में खो जाना, बाबा के ज्ञान के रत्नों से मनन चिंतन में रमन करना। फिर आप लोगों की बुद्धि जो भी कर्म करेंगी वो राइट करेंगी। अगर अपने को राइटियस हम कहते हैं, हमारा कर्तव्य है, हम अनराइटियस से सबको राइटियस बनाते। कौन सा धर्म स्थापन करते? एक सत्य धर्म स्थापन करते। तो सत्य धर्म राइटियस बनेंगे तब तो स्थापन करेंगे। अगर राइटियस बुद्धि नहीं होंगी तो हम कौन सा सत्य धर्म स्थापन करेंगे? हम दुनिया को अनराइटियस से राइटियस बनाते। तो खुद से पूछो, मैं राइटियस बना हूँ? मुझे सभी का सर्टिफिकेट मिलता कि ये इज वेरी राइट। हमारा कर्म, हमारा बोल, हमारा व्यवहार, हमारी चाल दूसरे को राइट लगे, ये अपने को चेक करो, मैं जो कर रहा हूँ वो राइट कर रहा हूँ। इसको कहा जाता सत्यता। जब आप हर एक बात राइट करेंगे तो देखो आप लोगों के दफ्तर में भी आप लोगों को कितनी न इज्जत मिलती कि ये बच्चा बहुत सत्यवादी है, ये बच्चा कितना नहीं सही काम करता। अपने दफ्तरों में भी रिकॉर्ड जीतना हो तो ऐसे राइट रहो, धीर्यवत रहो। ऐसे दफ्तर में भी आप अपना जो भी कार्य करो वो इतना ब्यूटीफुल करो जो हर एक कहे कि ये सच्चा योगी कार्य क्या करता, भरा इसके कार्य करना में सुंदरता है। कौन सी सुंदरता? चरित्रों की सुंदरता। फिर आप लोगों को सब दफ्तरों में फेथफुल मानेंगे। फेथ जीतना ये है बाबा का नंबर वन रिकॉर्ड। हम सबके दिलों को जीतें, उसके लिए हम फेथफुल कहाँ है हमारे को देखना है। मैं बाबा का कितना फेथफुल हूँ, मैं सेवा में कितना फेथफुल हूँ, मैं अपने व्यवहार में कितना फेथफुल हूँ, मैं ईश्वरी परिवार में कितना फेथफुल हूँ। ये फेथफुल बनना बहुत बड़ा रिकॉर्ड। जो फेथफुल है, जिसने फेथफुली का रिकॉर्ड जीता, उसने सब कुछ रिकॉर्ड जीता। तो मैं फेथफुल हूँ,
तो जो फेथफुल होगा वो कभी भी बाप की अवज्ञा नहीं करेगा, उसे अवज्ञा होगी नहीं। मिसाल कोई कहता मेरी बुद्धि माया में गई, तो ये अवज्ञा है। फेथफुल माना मेरी जाएंगी नहीं। आप कहते जाती, मैं कहूंगी जाएंगी नहीं। आप सिर्फ फेथफुल बनो, आपकी बुद्धि नहीं जाएगी। कभी अपवित्रता का ख्याल नहीं आएगा अगर फेथफुल रहो। बाबा पर फेथ है तो खुद पर भी फेथ है। ऐसा फेथ रखने वाला फेथफुल होगा, और जो फेथफुल बनता उसको बाबा की मदद मिली। उसको फेथफुल के ऊपर कहा जाता है, जो बच्चा फेथफुल होता उसको मात पिता की दया की कृपा का हाथ होता। तो जो फेथफुल बनता उसके ऊपर बाबा की छत्र छाया होती, उसके ऊपर रक्षा होती, उसके ऊपर शक्ति की छत्र छाया बनता। इसलिए हमारा व्यवहार, हमारा कर्म, हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति फेथफुल रहे, तो फेथफुल की कहां बुद्धि नहीं जाएगी, किधर भी नहीं जाएंगी, कहां भी नहीं जाएंगी। क्यों? वो जानता है फेथ माना बाबा की आज्ञा, आज्ञा माना फिर श्री मन। इसलिए हम सदैव ये बाबा का मंत्र तीन शब्दों का सदा राग याद रखती, आज्ञाकारी बनो, वफादारी बनो और निरंकारी बनो, निराकारी निरंकारी और आज्ञाकारी। तो उसमें आता है वफादारी। आज्ञाकारी बनो, वफादार बनो, निरंकारी बनो, निराकारी बनो, तो निर्विकारी अवश्य रहे। ये चार स्तंभ है, ऐसे चार स्तंभ रखने वाला वो निर्विकारी बनो। स्तंभ है फिर बोलती, निराकारी बनो, निरंकारी बनो, आज्ञाकारी बनो, तो निर्विकारी बनो। किसी प्रकार का भी बेअपमान है वो अनेक प्रकारों का विकार लाता है। हमारे को निरंकारी बनना है, बेअपमान को जरूर त्याग। तो ये कुमारों की भट्टी माना ही है यज्ञ, ये यज्ञ रचा है। इस यज्ञ में आप सभी कंगन बांधने आए थे, आप सभी तपस्या करने आए थे। इस तपस्या में अपना सब सुहा कर दिया, कंगन पक्का बांध के जाओ। ऐसे नहीं घूमने फिरने अबू नहीं आए थे कि मधुबन देखने नहीं आए हो, तब कहा है कि हाँ पुराने आओ। तो जिसमें बाबा कहते हैं ना यज्ञ में सुहा होने आए, तो सुहा क्या होने आए है? सुहा माना ही मन मना भाव हो गया, बाकी सब सुहा। हमारा मंत्र है यज्ञ रचा जाता तो मंत्र पर आ जाता, हमारा मंत्र है मन मना भाव। ये धुनी लगाओ तो बाकी सब सुहा। तो हम यज्ञ में सब सुहा करने आए हैं, इसीलिए भट्टी में आए। इसलिए कहा हम युवा है, हम कुमार है, नहीं हम तो बाबा तेरी सची सजनी है। तो जो संस्कार है वो बुद्धि से परिवर्तन होगा, हमें अनुभव होता सचमुच हम बिंदु बाबा के पलकों में खो जाओ। कितना मीठा लगता जब बाबा में खो जाओ, सामने बाबा कुछ दूसरा नहीं दिखाई। ये योग की अगन और लगन जरूर सब में चाहिए। ऐसी स्थिति में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली सब बातों का बैलेंस, फिर आप से जो भी कार्य होगा कहा वो राइट हो, फिर जो भी समस्याएं है आप लोगों की वे सहज समाधान हो जाए। बल समस्याएं पूछते हैं, मैं जानती हूँ बल मैं कल हाथ उठाया कहीं इसमें बांधे ले आए। आप लोग तपस्वी बनो, देखो ये आप लोगों का बंधन माँ बाप का कैसे नहीं टूट जाता, जरूर टूट जाएगा। आकर उनकी रस्सी तोड़ देंगे अगर आप लोग का दृढ़ विश्वास है। दृढ़ विश्वास वाला इस बंधनों को तोड़ देगा, क्यों नहीं टूटेगा? अरे कोई छोटी लड़की तो रही हो, एजेड हो, कोई सगीर नहीं हो, मना अंडर एज के नहीं हो, एजेड हो, बुद्धिमान हो, परंतु एक होता है थोड़ा लड़ झगड़ के तोड़ना, ये राम। न लड़ो न झगड़ो न जिद करो न जोश करो, लेकिन स्नेह से शांति की
किरणाएं देके, वाइब्रेशन देके, बिल्कुल धीर्यवत श्रेष्ठा बनो। देखो आप लोग को माँ बाप कैसे नहीं छूटी। अच्छा, कोई कहता है माँ बाप मैं तुम्हें अपना जायदाद का हिस्सा नहीं दूंगा, चुप रहो। अच्छा कहो ठीक, तपस्या करो, चलो ठीक है, आपकी नई आज्ञा है। अच्छा मैं नहीं जाता हूँ बस। अरे युक्तियाँ है कई प्रकारों से, युक्तियों से आओ जाओ, लेकिन एकदम जिद करके, झगड़ा करके, घर का वातावरण खराब करके और निकलो, ये जोश फिर कभी कभी आगे चल करके कष्ट देगा। जोश में नहीं आओ, होश में रहो, पर प्रेम से, धीरता से, सहनशीलता से आप लोग जीत लेंगे किसकी भी। माँ को क्या जीतेंगे? अरे जब भी कहा है पत्थर को पिघला सकते, तो माँ बाप की दिल नहीं जीत सकते? जरूर जीत लेंगे, कैसा भी पत्थर होगा वो पिघल जाए। आपकी शांति की उनको मिलेंगी किरणाएं, आप लोग जीत। लेकिन कहा जाता है सब्र वाले का साईं है, सब्र माना जो चुप रहता, जो शांत रहता, उसका साईं मदद करता। आप लोग को खान पान की तकलीफ होती होती है, बराबर है, लेकिन समय ऐसा है बहुत, अगर घर में झगड़ा करेंगे तो कहेंगे गेट आउट, गेट आउट कोशिश करके कभी नहीं होना। ठीक है मैं जाता हूँ, अकेला कमरा लिया, फिर लियो एक तरफ घर से तो झगड़ा करके निकले, पर अनेक दूसरी मायाएं आती। या तो पहले इतनी स्थिति मजबूत हो फिर निकलो, नहीं तो स्थिति न मजबूत हो जल्दी घर नहीं छोड़ो। उनको धीरे से प्यार से समझाओ। अच्छा ऐसा समझाओ, चलो कोई ऐसी है घर में, मैं बनाता हूँ, मैं मदद करता हूँ, मैं तुम्हारे को साथ देता हूँ, सिंपल खाओ, अरे सूखा रोटा खाओ बस, और क्या। कभी ऐसा भी समय आएगा जो समय पर आप सूखा चावल खा के भी चले, समय है आपको अच्छा भोजन भी मिले। मिलिट्री में रहते, बाहर में रहते, कई बातें आती, लेकिन समय पर आप लोगों को अपने को एडजस्ट भी करना है। कोशिश करो उन्हों को प्यार से समझा के ऐसा भोजन खाओ जो वो शुद्ध बना के देवे। अगर कोई नहीं भी बनता है तो बाबा कहता है बहुत बहुत लाचारी है, तो आप एकदम वो भोजन 20 मिनट योग युक्त होके दृष्टि में खाओ, टेस्ट से नहीं खाओ, लेकिन लाचारी दृष्टि देके खाओ वो भोजन आपका ट्रांसफर। लेकिन चाहिए स्वीट मुरली, स्वीट वाणी। आप अपने किसी भी माँ बाप सर्वेंट भाई भाभी इधर संबंधियों को आप जीत लेंगे अगर आपकी स्वीट वाणी। स्वीट बनो, स्वीट बनो, स्वीट बनो, स्वीटनेस आप सबके दिलों को जीत। जो स्वीट बनता वो लवली बन, स्वीटनेस नहीं है तो लवलीनेस भी नहीं है तो वो किसकी दिल नहीं जी। जोश में नहीं आओ, फोर्स में नहीं आओ, जिद में नहीं आओ, जिद जोश फोर्स ये सब नुकसान का। किसी भी बात में न जोश में आओ, न फोर्स में आओ, न जिद में आओ, ये तो संस्कार एकदम त्याग के। किसी प्रकार में भी जोश आता, जिद आता, फोर्स आता, ये बहुत नुकसान। इसलिए इन संस्कारों का जो नुकसान होता वो परिवर्तन करो, इसको मारो, इसी संस्कारों को मारने की अपनी पुरुषार्थ करो, उन पर जीत पहनो, तो आप लोग की सचमुच स्थिति फरिश्ता बने। नाम लेते फरिश्ता ही दिल बहाग हो। हमें बाबा कहता है तू फरिश्ता बने, तू अव्यक्त बने, तू देवता बने। हम बाबा तेरे फरिश्ते है, तेरे इश्क में रहने वाले अव्यक्ति रतन है। नाम लेने से ही अपनी बुद्धि कितनी ऊपर चली गई। मैं बाबा फरिश्ता, मैं बाबा फरिश्ता हूँ, मुझे सब कोई फरिश्ता देखे। पूछो ऐसी स्थिति रोज करते, भूलने से ही इतना दिल कितनी नहीं खुशी में चलते। उठो बैठो खाओ चलो इसी स्थिति में, तो बाबा याद रहेगा, दूसरा कुछ दुनिया में। अपने क्लास का वातावरण भी इस तरह से बनाओ जैसे लगे कि सचमुच क्लास में आए, ऐसे लगे जैसे कि हमारा क्लास एक तपस्वी कुमारों से गूंज। ऐसी वृत्ति का वाइब्रेशन दो, ऐसे वृत्ति से बोलो, ऐसे वृत्ति से मुरली सुनो, ऐसे वृत्ति से एक दो को देखो। देखो आप लोग अपने सेंटर का वातावरण भी
स्वीट बना दे, नहीं तो कई बार से